नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। क्लासरूम में पर्दे, लड़कियों की अलग शिफ्ट, अफगान यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं नए बदलाव। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आए एक महीने से अधिक का समय हो गया है। तालिबान शासन का असर अब प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर भी देखने को मिल रहा है। नए शासन की जेंडर अलगाव नीति नए शासन की विस्तृत योजनाओं में से एक है। यूनिवर्सिटी क्लासेस में अस्पतालों की तरह कमरे को विभाजित करने वाले पर्दे, जाली वाले पर्दे वाले लगाकर क्यूबिकल में लड़कियों को अलग बैठाया और महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शिफ्ट, इसी नीति का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान में सार्वजनिक विद्यालय जैसे काबुल विश्वविद्यालय में 1932 में स्थापित हुआ था, जहां लगभग 12,000 महिलाएं छात्राएं हैं, वहीं कुल करीब 26,000 छात्र हैं। वहीं 3 दशक पुराना कंधार विश्वविद्यालय है, जहां करीब 10,000 छात्रों के साथ 1,000 महिलाएं पढ़ रही है। महिलाओं की हायर एजुकेशन के भविष्य पर तालिबान शासन के स्पष्ट रोडमैप के अभाव में अब ये बदलाव साफ दिखने को लगा है। कंधार विश्वविद्यालय के चांसलर अब्दुल वजीद वासिक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सार्वजनिक विद्यालय केवल तभी खुल सकते हैं जब उसके पास पैसे हो। हमें ये भी याद रखना होगा कि सार्वजनिक विश्वविद्यालय में निजी विश्वविद्यालयों की तुलना में एक कक्षा में अधिक छात्र होते हैं। निजी विश्वविद्यालय में प्रत्येक कक्षा में केवल 10 से 20 छात्र होते हैं और इसलिए ऐसे कक्षाओं में पुरुषों और महिलाओं के अलग करना बहुत आसान होता है। हमारी एक कक्षा में लगभग 100 से 150 छात्र होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है, खासकर ऐसे मामलों में जहां एक कक्षा में बहुत कम महिलाएं होते हैं। अफगानिस्तान में लगभग 40 सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। तालिबान के 2 एजुकेशन पर प्रतिबंध के आदेश के बाद उच्च विश्वविद्यालय द्वारा सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को स्थानीय वास्तविकताओं के आधार पर फिर से खोलने की अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।